हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, आज किस क्लास में विशेष है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि शेयर को फॉरफिचर कैसे करते हैं, मतलब अंशों को हम जब्त कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। और थ्योरेटिकल पार्ट्स हमने पढ़ाया है, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा कि शेयर को कैसे जब्त करना है। ठीक है, आपको मैं छोटी छोटी बातें समझाता जाऊंगा, आप समझते जाना, आप नोट करते जाना। बीकॉम सेकेंड ईयर के जितने बच्चे हैं उनके लिए यूज़फुल है ये वीडियो। इसके अलावा हमारे क्लास ट्वेल्थ में भी इसको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सामने शेयर को जब्त करना वाला सवाल जो है वो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा देता हूँ। छोटी छोटी बातें ये हैं कि शेयर जब आप इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट में होता है। ठीक है, लेकिन जब आप जब्त करेंगे तो ये डेबिट में आ जाएगा। उल्टी बात है, देने के समय अगर क्रेडिट में होगा तो लेने के समय में डेबिट में होगा। दो ही बातें होती हैं, डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, इस शेयर कैपिटल के दो पार्ट हैं। दो पार्ट ये है जो आपको मिला है, तो जो आपको पेड हो गया, जो आपको पेड हो गया, जो आपको रिसीव हो गया, आप ये कह सकते हैं जो शेयर आपको रिसिप्ट हो गया, जो आपको रिसिप्ट नहीं हुआ मतलब एरियर हो गया, तो जो आपको रिसिप्ट हो गया है उसको आप शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डालोगे। ठीक है, जो आपको रिसीव नहीं हुआ है बाय नेम आप इसको शो कर दोगे। ये अगर डेबिट में होगा तो ये दोनों पार्ट क्रेडिट में होगा। ठीक है, अब जब हम फिर से इसको बेचेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, और जब हम बेच देंगे तो शेयर कैपिटल फिर क्रेडिट में चला जाएगा। मतलब देते समय क्रेडिट में शेयर कैपिटल, लेते समय वही शेयर कैपिटल डेबिट में आ जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। चलिए तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक बात और मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर प्रीमियम पर शेयर आपने इशू किया है, ध्यान से समझिएगा, तो प्रीमियम के दो चांसेस हैं। एक तो प्रीमियम नहीं मिला, दूसरा प्रीमियम मिल गया। अगर आपका प्रीमियम का पैसा मिल गया है, ठीक है, तो फिर आप प्रीमियम के बारे में कुछ मत कहना। ठीक है, कहीं पर मेंशन मत करना, सोचना ही नहीं प्रीमियम, सोचना कि नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो प्रीमियम जिस तरीके से अटैच होता है शेयर कैपिटल के साथ, जिधर रहेगा उधर प्रीमियम को अटैच करके शो करेंगे। अगर शेयर कैपिटल हम जब्त करते समय डेबिट में लिख रहे हैं तो प्रीमियम भी वहीं पर अटैच करके शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी वहां पर डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए। जैसे शेयर कैपिटल यहाँ पर कैसे लिखें, शेयर कैपिटल अकाउंट लिखें ना डेबिट में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमको यहाँ डेबिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी का काम हम क्रेडिट में करेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए तो फिर क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बाद धीरे धीरे टफ लेवल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है, सेमोटो लिमिटेड ने 10 रुपया प्रति अंश के 6,000 अंशों को 2 रुपया अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया। अब प्रीमियम तो है, लेकिन प्रीमियम में हमको ये देखना है कि क्या प्रीमियम का पैसा आ गया या प्रीमियम का पैसा नहीं है। अगर प्रीमियम का पैसा आ गया तो प्रीमियम के बारे में कहीं पर कुछ नहीं सोचेंगे, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आया है तो फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 3 रुपया अंश प्रति अंश अंतिम याचना की राशि भुगतान न करने के कारण हरण कर लिया गया। आपको बस ये जरूर पता करना है कारण क्या है, किस कारण से शेयर को जब्त किया गया, किस कारण से हरण हुआ। ठीक है, शेयर का हरण किस कारण से हुआ ये पता होना चाहिए। तो आपने जो शेयर 6,000 है ना, इसका रेट आपने रखा था 10 रुपया, मतलब 60,000 आना चाहिए था। अब इसमें 2 रुपया प्रीमियम जरूर है, लेकिन प्रीमियम हमको बाद में सोचेंगे कि प्रीमियम का पैसा अगर आ गया है तो प्रीमियम को छुएंगे भी नहीं। ठीक है, इस शेयर कॉस्ट का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा आपको 6,000 का 3 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये आपको नहीं मिला। यही है एरिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये है कि 60,000 में 18,000 नहीं मिला तो 42,000 मिल गया होगा। ठीक है, तो जो मिल गया है ना हमको जब्त उसी को करना है। जैसे मान लीजिए ये पेन है मेरे हाथ में, मान लिया जाए कि ये 10 रुपया का पेन है, मैंने इसको 3 इंस्टॉलमेंट में मैंने कहा आपको कि आप मुझे पैसा दो, 2 रुपया दो, फिर 3 रुपया दो, फिर 5 रुपया दो। ठीक है, 2 रुपया आपने दिया, 3 रुपया भी आपने दिया, अब 5 रुपया आप दे नहीं रहे, तो मैं क्या करूँगा कि जो पैसा आपने दे रखा है वो मैं जब्त कर लूँगा और ये पेन हम किसी और पार्टी को भेज देंगे।
ठीक है, और अगले पार्टी को बेचेंगे, अगर मान लिया जाए अगले पार्टी से हम 10 रुपया ले लेते हैं, तो उससे भी 10 रुपया ले लिए और आपसे भी 5 रुपया ले लिए, मतलब 10 रुपया की चीज़ से हम 15 रुपया कमा लिए, समझ रहे मेरी बात को। तो हम अगले पार्टी को छोड़ भी दें, अगर अगले पार्टी से हम 9 रुपया भी अगर लें, तो आपसे तो हम 5 रुपया ले चुके हैं, अगले पार्टी से 9 रुपया भी लेंगे, तो अगर 1 रुपया उसको छोड़ भी देते हैं, फिर भी हमारे पास फोकट में 4 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंपनी को समझना है, आपको समझना है। तो से अब सवाल ये है कि क्या प्रीमियम का पैसा मिल गया है? प्रीमियम का पैसा तो कहाँ पर मिला, नहीं मिला, ये तो कुछ नहीं कहाँ क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि प्रीमियम जो होता है वो अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो प्रीमियम होता है अलॉटमेंट पे। ठीक है, और अलॉटमेंट कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉज, यहाँ पे अलॉटमेंट होता है। ये पैसा आपको नहीं मिला है, इसका मतलब इससे पहले का पैसा सब मिल गया है, और जब इससे पहले का पैसा मिला होगा है, तो प्रीमियम का पैसा भी आपको मिल गया होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीमियम अगर मिल गया है, तो फिर जो मिल गया है उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, सामने वाले को बताना भी नहीं है, वो सबको सीधे जब्त करना है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको क्या दिखाना है? आपको दिखाना है आपने, आप दिखाओ उसको सिर्फ और पीछे, कहीं पर नहीं दिखाओ सॉरी प्रीमियम, क्योंकि आपका आपको आपने प्रीमियम के पैसे ले रखे हैं, आपको प्रीमियम के पैसे आ गए हैं, रिसीव कर चुके हैं, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करो, शेयर कैपिटल को क्या करो, डेबिट करो, शेयर जब्त करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 6,000 शेयर, 10 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। जितना आपको आपने कॉल किया है, पूरा का पूरा 10 मांगा है आपने, पूरा का पूरा 10 के हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब्त कर लिया हमने, यहाँ शेयर कैपिटल बैकअप हो रहा है, वापस हो रहा है शेयर कैपिटल। उसके बाद हम इस शेयर कैपिटल के 2 पार्ट हमको दिखाने हैं, एक वो जो हमको मिल गया है, एक वो जो हमको नहीं मिला है। ठीक है, जो मिल गया है वो चला जाएगा शेयर फोरफिटेड, और जो नहीं मिला है उसको बाय नेम शो करना है। पहले आप लिख लो, उसके बाद अमाउंट सेट करो, ऐसा ही करना, प्रैक्टिस में भी ऐसे ही करना, पहले लिख लेना देन अमाउंट सेट करना। जो आपको नहीं मिला है वो है शेयर फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, ये आपको नहीं मिला तो आप ये देखो कि ये आपको नहीं मिला, और इसके बारे में आपको कहा गया है कि 3 रुपये के हिसाब से 6,000 का पैसा 18,000 रुपये आपको नहीं मिला। ठीक है, तो क्या आप ये बता नहीं सकते हो कितना मिल गया? 60,000 मांगे थे, 18,000 नहीं मिला, तो कितना मिल गया? आपको क्वेश्चन ने नहीं बताया हमको कैसे कैसे कहाँ मिला, छोड़ दो ना, क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं है, बस हमको जो मिला है हम जब्त करेंगे। ठीक है, तो 60,000 में 18,000 हमको नहीं मिला है, तो 42,000 हमको मिला होगा, ये जब्त हो गया। ठीक है, बिंग नेशन कर लीजिए, 6,000 शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, होगी बात खत्म, जब्त हो गया शेयर, कहिए उसको कि जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं। अब 6,000 शेयर हमारे पास आ गए वापस, और हमारे पास प्लस में कितने पैसे आ गए? हमारे पास प्लस में आ गए 42,000, हमारा शेयर भी वापस आ गया, और हम 42,000 ऐसे ही रख चुके हैं उसके नाम से। ठीक है, मेरा पैसा है वो, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन अगर हम किसी अगले पार्टी को इसमें से छोड़ भी दे, अधिकतर कितना छोड़ सकते हो? अधिकतर 42,000 छोड़ दे तो भी हमको कोई नुकसान नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा सामान तो 60,000 का है, समझ रहे मेरी बात को, तो अब समझिए। उसके बाद कहता है कि इसमें से 300 शेयर को 8 रुपया अंश पूर्ण प्रदत्त पुनः निर्गम किया गया, मतलब 8 रुपये के हिसाब से 300 शेयर कहा कि पूरी हमको दे दीजिए। ठीक है, किसी अगले पार्टी को, हमारे पास जब्त कितना है? 6,000 शेयर, ध्यान से समझिए, 6,000 शेयर जब्त है, और इसमें से मात्र हम 300 शेयर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 6,000 शेयर जब्त है, मात्र हम 300 शेयर निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना, 300 शेयर हम निकाल रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं निकाल रहे, ओनली 300 शेयर हम इशू कर रहे हैं, मतलब ये है कि इसमें से और बाकी शेयर रहेंगे अभी हमारे पास। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये जो 42,000 रुपया है ये तो 6,000 शेयर का है, लेकिन हमको तो मात्र 300 शेयर रीइशू करने हैं, तो हम जो फोरफीचर आगे लेकर जाएंगे वो 6,000 शेयर का थोड़ी लेकर जाएंगे, हम तो आगे फोरफीचर भी 300 शेयर का ही लेकर जाएंगे, मतलब 300 शेयर के हिसाब से छोड़ेंगे। अब जैसे मान लिया जाए, ध्यान से समझना, अगर हम अगले पार्टी से 300 शेयर है ना, 8 रुपये के हिसाब से 2,400 रुपये हमको मिलना,
टोटल पैसा इसका 300 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से 3000 बनता है, जो कि आपका शेयर का रेट 10 रुपया है। ठीक है, अब सोच कर देखो 3000 में 42000 थोड़ी छोड़ देंगे। तो इसमें से अगर हम पूरा 42000 छोड़ देंगे तो इसमें से जो 5700 शेयर वाला बंदा है, 5700 जो शेयर है वो क्या लेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मात्र 300 शेयर का फॉरफीचर आगे फॉरवर्ड करना है। हम जब तो पूरा कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जो हम छोड़ फीचर याद रखेंगे वो 300 शेयर का। इसलिए आप पहले एंट्री करने से पहले कहीं पर कैलकुलेशन कर लीजिए 300 शेयर फॉर फीचर ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो 4200 रुपया है कितने हजार का, 6000 शेयर का, तो 6000 से भाग लगा तो क्या एक शेयर का निकल गया। अब 300 से गुना कर दो तो 6 × 7 = 42, 7 × 21 = 2100। ठीक है बच्चे मेरे, ठीक है, कितना फोर फीचर है 2100। ठीक, हम 300 शेयर में से अगर 300 शेयर का फोर फीचर देखें तो मात्र 2100, बाकी हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक, अब हम रेशू करना शुरू करते हैं। तो रेशू जब करेंगे तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक में पैसा जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, तो 300 शेयर का 8 रुपये के हिसाब से कितना, 8 × 3 = 2400। हम शेयर छोड़ रहे हैं फोर फीचर, ठीक है, शेयर फोर फीचर 200 शेयर का, सॉरी 300 शेयर का। देखो रेट पूरा मेरा 10 रुपया है, तो 2 रुपया हम छोड़ रहे हैं, 3 × 2 = 600, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो 300 शेयर का हमारा जो टोटल पैसा बनना था 10 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये, 3000 में 24 आया, 600 रुपये हमने छोड़ दी। और ये 600 रुपये जो हमने छोड़ा है इसी 2100 में से छोड़ा, ये भूल जाइए 42000, फिलहाल भूल जाइए, 2100 याद रखिए, 2100 में से हमने 600 छोड़ दिया, तो हमारे पास कितना बच गया भाई, 2100 में से अगर हमने 600 छोड़ दिया, लिख दीजिए 300 शेयर री इशू फुली पेड 8 रुपया। ठीक है, तो हमने 2100 शेयर में से 2100 रुपया में से 600 छोड़ दिया, तो 2100 में से 600 रुपया माइनस कर दीजिए, आपके पास 1500 रुपया अभी भी इसमें से बचा हुआ। आप कहोगे सर यहाँ भी तो बचा हुआ, इसका भी फाइनल नहीं हुआ है ना, री इशू होगा तब पता चलेगा कि कितना बच रहा है वहाँ पे। ठीक है, इसको तो फिलहाल छोड़ दीजिए, ये 1500 रुपया अभी आपका फाइनल हो गया कि बच रहा है। ठीक है, इसमें से बचे ना बचे फ्यूचर की बात है, राइट। तो ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, और एक तीसरा एंट्री हमको करना पड़ेगा, वो होगा शेयर कैपिटल रिजर्व का। तो ये जो फोर फीचर बचा हुआ है 1500, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लो, राइट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो ये जो 1500 बचा है ना, देखिए वो तो वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, ये 2100 का तो काम खत्म हो गया 300 शेयर का, तो 300 शेयर में जो 2100 रुपया हमारा फोर फीचर था वो मेरा बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये पैसा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बच्चे, फोर फीचर वाला जो पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा 1500। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में जो है आपको ये बनाने हैं फोर फीचर अकाउंट बनाने हैं। तो फोर फीचर अकाउंट कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। काम करना है आपको शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है भाई, इसमें पार्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिए अपने से, और टोटल जो पैसा है शेयर कैपिटल का, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख दीजिए 42000 रुपया आपका फोर फीचर था। ठीक है भाई, इसमें से आपने कितने का काम कर दिया, तो इसमें से आपने काम कर दिया यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर ऊपर में लिखा था, तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल, कैपिटल आपने 600 रुपये छोड़ दिया। ठीक है, फिर आपने इसमें से शेयर कैपिटल रिजर्व में 2100 रुपया 1500 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। समझ रहे मेरी बात को,
ध्यान से समझिए, आपने इसमें से 621 का काम कर दिया, ठीक है। इस फोरफीचर वाला जो पैसा है, जो कैपिटल में आपको 4200 रुपया आया है, 42000 रुपये, उसमें से आपने कैपिटल, शेयर कैपिटल के नाम से 600 रुपया जब इशू किया, उस समय आपने छोड़ा। इसमें से एंट्री में देखिए ना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू फोरफीचर लिखा हुआ है ना, तो फोरफीचर अकाउंट में शेयर कैपिटल बाय में जाएगा, 42000 रुपया इसका कीमत है, तो 42000 ये पूरा पैसा उधर जाएगा, फोरफीचर वाला जो पैसा वो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा एंट्री में कहाँ था फोरफीचर, तो शेयर फोरफीचर क्या था, फोरफीचर डेबिट था और टू शेयर कैपिटल था ना, तो शेयर कैपिटल में ये फोरफीचर में शेयर कैपिटल टू में आ जाएगा, 600 रुपया हमने वहाँ छोड़ा था, बाकी हमने 1500 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो हो गया। उसके बाद कुल मिला के आपने 2100 रुपया का काम खत्म कर दिया। इसमें से आपके पास कितना बच गया, वो बैलेंस लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास बच गया है 39, कितना बचेगा भाई, 2100 घटाएंगे तो 4200 में से 39900 हो जाएगा क्या, 42000 है ना, 2100 माइनस कर दीजिए, 009 9211 39900, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सिटी, बस यही है और कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और समझने का खुद से भी प्रयास करिए। आपके किताब में जितने भी एग्जांपल बने हैं, पहले उसको बनाइए फिर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन के साथ, बाय बाय, टेक केयर।